नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक, स्वागत करता हूँ आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोक जिम। दोस्तों, अगर अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके जैसे नॉलेजेबल वीडियोस डेली इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आपका गूगल एड्रेस जो पिन आता है, गूगल एडसेंस का एड्रेस पिन वेरिफिकेशन, अगर आपको नहीं मिला दोस्तों, तीन बार आपने अप्लाई कर दिया दोस्तों, आपको तीनों बार अप्लाई करने पर आपको वहाँ पे एड्रेस पिन नहीं मिला, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपना एड्रेस कैसे वेरीफाई करेंगे दोस्तों। गूगल एडसेंस बिना वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस वेरीफिकेशन के आपको वहाँ पर पेमेंट रिलीज़ नहीं करता, पेमेंट आपका होल्ड पे रखा जाता है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप 4 महीने दोस्तों आपको वहाँ पे हो जाते हैं बिना एड्रेस, $10 जब आप कंप्लीट होगा तो पहला वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे एड्रेस पिन आपको वहाँ पे मेल कर दिया जाता है वाया पोस्ट, बिना वहाँ पे अप्लाई किए। लेकिन अगर आपका तब भी नहीं मिला दोस्तों, मैक्सिमम जो लिमिट होती है दोस्तों एडसेंस जो पिन भेजा जाता है वो दोस्तों 30 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंच जाना चाहिए। अगर 30 दिन से वहाँ पे 40 दिन 45 दिन भी आप वेट कर सकते हो, 45 दिन दोस्तों लेकिन मैक्सिमम होता है। 45 दिन तक अगर आपके घर पे नहीं पहुंच रहा है आपका एड्रेस पिन वेरिफिकेशन जो भेजा गया गूगल के वहाँ पे कंपनी से जो उसको भेजा, वो अगर नहीं पहुँच रहा है, फिर से आपको अप्लाई करना है, दूसरी बार अप्लाई करना है। यहाँ पर फिर आपको अप्लाई करते वक्त आपको नेम एडसेंस का जो आपने वेरिफिकेशन के लिए भेजा है उसका वहाँ पे एड्रेस वेरीफाई कर लीजिएगा, शायद वो गलती हो तो इसलिए ना पहुँचा हुआ। दूसरी बार भी आपको अप्लाई करना है, दूसरी बार भी अगर नहीं पहुँचा तो फिर से आपको वेट करना है वही 30 से 40 दिन तक। अगर फिर से नहीं मिला तो तीसरी बार भी अप्लाई करें। तीन बार अगर आप वहाँ मतलब कुल टोटल 3 टाइम, यानी कि पहली बार तो जब $10 आपके एडसेंस अकाउंट में कंप्लीट होगा तो पहली बार वो तो अपने आप ही आ जाता है, दो बार आपको और अपने से अप्लाई करना है, टोटल 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपको एड्रेस पिन वेरिफिकेशन नहीं मिलता है, आपको अपने एड्रेस पे एड्रेस आपने सही डाला, नेम सही डाला, तो आप क्या करेंगे, बिना वेरीफाई कर आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है, आपका एडसेंस अकाउंट भी बंद कर दिया जाता है। अगर पहले जब $10 कंप्लीट हुआ उस डेट से 4 महीने के अंदर आपने वहाँ पर पिन नहीं डाला, एड्रेस अपना वेरीफाई नहीं किया किसी भी थ्रू, तो वहाँ पर आपका जो एड्रेस, माफ़ कीजिएगा, जो आपका ऐड आता है आपके यूट्यूब चैनल पे, वो बंद कर दिया जाता है, कंपनी वो उसको बंद कर देती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या आप क्या करेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आप जब तीन बार आप अप्लाई करोगे, आपको तीनों बार नहीं मिलेगा आपका एड्रेस वेरिफिकेशन पिन जो कि लिफाफे में आता है, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जब नीचे जाओगे अपना, आपको ओपन करना है गूगल एडसेंस, वहाँ पे गूगल एडसेंस जब आप सेटिंग में जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा हो रहेगा, एक पॉपकॉर्न करके विंडो आएगी रहेगी कि आपको एड्रेस वेरीफाई करिएगा, तो जब लिखा रहता है फिर उसमें आप वहाँ पे जब क्लिक करोगे लर्न मोर पे जब नीचे जाओगे स्क्रॉल करते वक्त, तो वहाँ पे नीचे एक वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। अगर ये दोस्तों, अगर आप वहाँ पे एक वहाँ पे जेनुइन हो आदमी, गूगल एडसेंस आपको समझता है या यूट्यूब आपको समझता है कि हो सकता है इनके पास इस जगह पे वहाँ पे गूगल एडसेंस जो पिन भेजता है वो नहीं पहुँच सकता है, वो उसको माने दोस्तों, क्योंकि सभी लोगों के वहाँ पे एडसेंस अकाउंट में ऐसा वहाँ पे आप बोल सकते हो लिंक नहीं आता बन के, वहाँ पे लिंक आ जाता है। अगर आप 3 महीने में वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो वो सबके में नहीं आता अकाउंट में, किसी किसी के दोस्तों वहाँ पे आ जाता है अकाउंट में लिंक, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना होता है और वेरीफाई करने के लिए खुद से कहता है कि अब मैन्युअली आप वहाँ पे वेरीफाई करो अपना एड्रेस, तो वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, एडसेंस अकाउंट आईडी आपको डालनी है, और वहाँ पे आपको अपना एक अपलोड करना है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट स्कैन किया हुआ एकदम साफ, आपको एड्रेस जो वेरीफाई करता हो वही एड्रेस उसमें हो जो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आपने लिंक कर रखा है, वही एड्रेस आपके जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो वो होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है, तो ये आपको एक फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आ जाता है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जब आप वहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पर मेल आ जाएगा कि आपका एडसेंस अकाउंट एड्रेस वेरिफिकेशन जो आपने सेंड किया मेल वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है, और आप कुछ दिनों बाद या हो सकता है 1 घंटे के अंदर आपको फिर से एक ईमेल आ जाएगी सक्सेसफुली आपका एड्रेस वेरीफाई हो गया है।
तो इस तरीके से आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन ये दोस्तों मैं ये श्योरिटी नहीं ले सकता कि सभी वहाँ पे एडसेंस अकाउंट में दोस्तों ये फैसिलिटी आती है लिंक कि वहाँ पे अपना एड्रेस आप मैन्युअली वेरीफाइड कर सकते हो। ये मैन्युअली वाला सिस्टम दोस्तों ऐसा है कि अब वो गूगल खुद उसको रियलाइज़ करता है, हो सकता है ये एड्रेस जो है पर्टिकुलर ये ऐसी जगह पर हो कि यहाँ पर पिन ना पहुँच पाता हो। गाँव के एरिया, दूर दराज जो एरिया होते हैं वहीं के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होती है उन्हीं एडसेंस अकाउंट में। नहीं तो ज़्यादा केस में दोस्तों लगभग 90% केस में गूगल एडसेंस जो पिन वेरिफिकेशन भेजा जाता है गूगल के द्वारा वो पहुंच जाता है। नहीं पहुंचता तो फिर क्या करेंगे आप, वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिएगा ताकि सब लोग को पता चल जाए कि वहाँ पर गूगल एडसेंस पिन वेरीफिकेशन ना पहुँचे तो क्या करें। अब दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो को आपको लाइक कर देना है और यहाँ पर चैनल पर नए आप विजिट कर रहे हो तो चैनल पे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा करें। मैं मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।